नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले खबर गुजरात में बीजेपी की पहली लिस्ट की। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और प्रदेश अध्यक्ष के नाम हैं। विशेष बात यह है कि बीजेपी ने इस लिस्ट के जरिए पाटीदारों को रिझाने की कोशिश की है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 16 पाटीदारों को जगह दी है। कांग्रेस के 3 बाकी नेताओं को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और बीजेपी ने यहां पर पाटीदारों को भी लुभाने की कोशिश की है। 182 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन 70 की लिस्ट। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री राजकोट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। नितिन पटेल, उप मुख्यमंत्री को महसाणा से टिकट दिया गया है। ज्यादातर जीते हुए विधायकों को टिकट दिया गया है। जीतू वाघानी, जो कि बीजेपी गुजरात के अध्यक्ष हैं, भावनगर पश्चिम से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। 3 कांग्रेस के बागियों को दिया है टिकट, ठासरा से, बाल सिनोर से और एक और गोधरा से भी। ये कांग्रेस के बागी हैं जो कि शामिल हुए थे बीजेपी में 3। लेकिन नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, पहले वो सुनते हैं। गुजरात विधानसभा के चुनाव के लिए आज भारतीय पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उन्होंने प्रथम तबक्के की 17 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की है। ये 70 उम्मीदवारों में से पहले और दूसरे तबक्के में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उस सबके उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं। इसमें सभी ज्ञाति जाति समाज और गुजरात का पूरा भौगोलिक एरिया आ जाए, इस प्रकार से प्रथम यही यादी में उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे अहमदाबाद से गोपी घांगर हैं और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, आएंगे आपके पास। गोपी, ज्यादातर जीते हुए विधायकों को पिछली बार की और पहली लिस्ट में बड़े नेताओं के नाम, पाटीदारों के नाम, क्या बीजेपी इस स्ट्रेटेजी से चल रही है कि हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जो जीत सकते हैं, जीतने की जिनकी संभावना है, उन सबको साधने की कोशिश ये लगती है इस पहली लिस्ट में? गोपी, जी बिल्कुल सईद, आपको बता दें कि ये जो पूरी पहली लिस्ट है, अगर आप उसका एनालिसिस करते हैं तो इसमें साफ तौर पे दिखता है कि 49 जितने जो विधायक है, सिटिंग विधायक है, उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया है और बाकी जो 16 सीटों पे टिकट दिया गया है वो ऐसे टिकट है जिस पर कांग्रेस की ये सीट्स है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती थी कि जो अंदरूनी विवाद है वो बाहर ना आए और ये सारी निर्विवादित सीट्स है, जहाँ पे मिनिस्टर्स है, मुख्यमंत्री की सीट है, डिप्टी सीएम की सीट है, वैसी ही सीटों को घोषित किया गया। साथ ही कांग्रेस के उन 5 विधायकों को भी इसमें नाम शामिल किया गया है जो कि हाल ही में बीजेपी में जुड़े हैं। और दिलचस्प बात यह है सईद कि इस पूरे अगर लिस्ट को आप देखते हैं तो 15 पाटीदारों को टिकट दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों विवाद चल रहा है पाटीदार और ठाकुर को 8 सीटों पर टिकट दिया गया है। तो अगर कुल मिला के देखें तो पूरी तरीके से बीजेपी ने यह ख्याल रखा है कि पाटीदार, ठाकुर और जो किसी भी तरीके का विवाद ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर ये पहली लिस्ट निकाली गई है। सईद, बिल्कुल गोपी। हिमांशु, पहली लिस्ट और लिस्ट में सभी बातों का ध्यान रखा गया, क्या आपको लगता है कि 70 इसलिए, आगे अगर कुछ और कमी पेशी है तो उसे पूरा कर दिया जाए और बीजेपी कोई रिस्क, कोई एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं दिखती? हिमांशु, देखिए बिल्कुल सही, बीजेपी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में अभी इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले दिनों से जिस तरीके से कांग्रेस को वहां पर एज मिला था, उसके बाद बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी और अब बीजेपी इसलिए नहीं चाहती है कहीं किसी सीट को लेकर ज़्यादा विवाद होगा तो बीजेपी के लिए मुश्किलें होंगी। और इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी ने पहली बार ऐसा हुआ होगा, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद अब कि 70 सीटों का अनाउंसमेंट किया हो, तो नहीं तो मुझे जहाँ तक याद है, मैं बहुत सालों से
बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड या सीईसी कवर करता हूं, तो जब भी आते थे नरेंद्र मोदी, एक लिस्ट होती थी उनके हाथ में और वो लिस्ट फाइनल हो जाती थी, एक दो नाम को छोड़कर बाकी सभी नाम वो एक साथ ही क्लियर करा के लेके जाते थे। तो बड़ी बात यह है कि पहली बार बीजेपी को 70 नाम करने पड़े 182 में से, और वो वेट कर रही है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कांग्रेस किन उम्मीदवारों को टिकट देगी और उसके हिसाब से वो अपनी आगे की रणनीति बनाएगी और अपने जो उम्मीदवार बचे हुए हैं उनको टिकट दी जाएगी। गोपी घांगर, हिमांशु मिश्रा। गोपी, हिमांशु, दोनों का बहुत धन्यवाद आपका, हमारी दोनों संवाददाता। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।